हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस टेक्निकल का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की जो ऑटोमेटिक स्विच कंट्रोल होती है उसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक दोस्तों जरूर बने रहिए। बहुत ही ईजी तरीक़े से मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा किस तरह से आप इसमें ऑटो स्विच लगा के इसमें कनेक्शन कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीक़ा से। तो जैसे कि देख सकते हो आपके सामने ये हमारा एक DOL वाइल स्टार्टर है, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारा थ्री फेज जो मेन सप्लाई से आती है कुछ इस तरह से काट आउट के माध्यम से, और ये हमारा एक मोटर यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस पर आप मैनुअल भी चला सकते हो और ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। तो ये हमारा सिंप्लेक्स कंपनी का है। देखिए इसमें आप ग्रीन बटन दबा के इसको ऑन कर सकते हो और रेड बटन दबा के इसको ऑफ कर सकते हो मैनुअली। लेकिन अगर आप ऑटो स्विच लगाएंगे तो ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको जो है ऑटो स्विच कंट्रोलर लगाना चाहिए जो कुछ इस तरह से देखने में आती है। बहुत सारे मॉडल में होती है अलग अलग कंपनी का। मेरे पास ये पावर टेक का है और इसमें टोटल दोस्तों 7 वायर है। तो ये 7 वायर को आपको यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ता है। तो कहाँ पे किसको लगाएंगे वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लो कि हम इसको लगाते क्यों हुए। इसके दोस्तों हम इसलिए लगाते हैं कि हमको बार बार दोस्तों स्टार्टर में ऑन ऑफ स्विच प्रेस करके मोटर को स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। अगर हम इसको लगा देंगे तो खुद ही मोटर को अपने आप ऑन कर देगी। अगर हम मोटर को चला के कहीं चला जाएंगे तो फिर भी ये अपने आप मोटर को रन कर देगी अगर वोल्टेज सही रहेगी तो। अगर सही नहीं रहेगी तो ये मोटर को नहीं ऑन करेगी। तो यह इसका खासियत है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम इस वाइल स्टार्टर में लगाते हैं। तो इधर पे इसका टोटल 3 पोल है और यहाँ पर इसका 3 पोल है। तो इस टोटल यहाँ पर 6 पोल है और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, एक साइड में आपको लाइन है जो है इनपुट और दूसरी साइड में आपको लिखा दिखाई रहेगी मोटर जो है इसका आउटपुट। तो इसके साथ ही आपको इसको कनेक्शन करना पड़ता है। तो आइए अब हम दिखाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रेड वाला ये स्विच है इसके साथ जो एक वायर यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, इसको आप डिसकनेक्ट कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि हमें दोस्तों ऑटोमेटिक करना है तो यहाँ पर स्विच में कोई काम नहीं। तो देखिए इस वायर को हमने यहाँ से डिसकनेक्ट कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर ही रख देंगे। आप देखिए दोस्तों, एक हमारा थ्री फेज सबमर्सिबल पंप है। तो इधर में यहाँ से एक केबल आती है मोटर से। तो इस पे आप देखिएंगे जहाँ पे आप लिखा रहती है मोटर, उस साइड में आपको मोटर का जो केबल आती है दोस्तों उसको लगाना होती है। तो इसमें 3 काला दिया गया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है A1, B1, C1 इस तरह से लिखा गया है। तो आपको इधर पर कोई ध्यान देना नहीं है, आप इस वायर को कहीं पर भी लगा सकते हो मोटर के साइड में। येलो रेड कलर कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी पे को भी कहीं पे लगा दीजिए। सिर्फ आपको तीनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आप लगा दीजिए। ये हो गया मोटर का साइड में, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑटोमेटिक है। अब इसको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ वायर है, तो यहाँ पर 3 कलर आपको दिखाई देगी, रेड येलो ब्लू। यहाँ पर 3 वायर है एक साथ में। इधर पे 2 वायर है सादा कलर का यानी वाइट कलर का एक साथ में। उसके बाद यहाँ पे 2 ब्लैक कलर का वायर है इधर पे। टोटल आपके यहाँ पे जो है दोस्तों 7 वायर है। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ब्लैक कलर का 2 वायर है दोस्तों, तो ब्लैक में से किसी भी एक वायर को आप ले लीजिए। दोनों में से किसी को एक ले लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद वाइट में से दोनों में से किसी को एक को आप ले लीजिए। देखिए मैंने एक को ले लिया। फिर इस दोनों को आपको एक साथ में यहाँ पे शॉर्टिंग करना पड़ता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टिंग कर दिया। उसके बाद इसको आपको टेपिंग कर देना है और इसको आप इस तरह से रख देना है और छोड़ देना है इसको टेपिंग करके, इसका कोई काम नहीं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर वाइट कलर का और एक वायर रह जाता है, तो इसको हम ले लेते हैं। ये देखिए ये वाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 3 कलर का वायर है, इसमें से जो रेड कलर का वायर है दोस्तों उसको हम ले लेंगे। ये देखिए, यानी यहाँ पे एक वाइट और एक रेड कलर का जो वायर है, इस दोनों को हम यहाँ पे आपस में
ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसको हम टेपिंग नहीं करेंगे दोस्तों, इसको हम स्टार्टर के साथ कनेक्शन करेंगे। तो एक यहाँ पे हम इसको एक साथ जोड़ दिया, एक रेड कलर का एक वाइट कलर का, इस तरह से। अब ये आती है दोस्तों हमारा इनपुट लाइन, जो ट्रांसफार्मर से मेन 3 फेज करंट यानी 440 वोल्ट आती है इस केबल के माध्यम से। अब इसको हम इनपुट लाइन में यानी जहाँ पे लाइन लिखा रहेगी दोस्तों उस साइड में हम इसको लगाएंगे। तो इसको भी आप जो कलर है इसका रेड येलो ब्लू, आप किसी को भी कहीं पे लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों वायर को एक एक करके लगा दिया है, जो लाइन पोजीशन है उस साइड में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे हमने इस तरह से लगा दिया। अब आप समझेंगे कि यहाँ पे इसको जो है कलर वाइज लगाना है यानी रेड के सामने रेड, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आप किसी को भी कहीं पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को भी कहीं पर आप लगा सकते हो इस तरह से। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने एक रेड कलर एक वाइट कलर को शॉर्टिंग किया था, इस दोनों को हम जो ये मिडिल पोजीशन है ये मिडिल पे हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको लगा दिया इस तरह से, जो हमारा ऑटोमेटिक से आती है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ और भी दो वायर है, एक येलो और एक ब्लू, ये देखिए। तो इस येलो को दोस्तों आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इस साइड में, या यहाँ पे भी लगा सकते हो, दोनों साइड में से किसी भी एक साइड में आप लगा सकते हो। तो देखिए लगा दिया। उसके बाद ये ब्लू कलर का जो वायर है उसको हम दूसरी साइड में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनपुट लाइन लाइन की तरफ से यहाँ पे लग गया। उसके बाद ब्लैक कलर का एक वायर रह जाती है दोस्तों, इसको भी आपको कनेक्शन करना है। देखिए कहाँ पर हम लगाएंगे इसको। तो ये जो दोस्तों हमारा ग्रीन बटन है दोस्तों, यहाँ पे आपको बाई हाथ की तरफ एक वायर दिखाई देगी, इसके साथ इसको आपको अटैच कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये लग जाती है, एक ब्लैक कलर का वायर यहाँ पे। और ये जो वायर है दोस्तों जो रेड कलर से आती है, इसको यहाँ पे इस तरह से डिस्कनेक्ट करके ही रखना है, इसका कोई काम नहीं है। देखिए इस तरह से कनेक्शन दोस्तों हमारा कॉम्प्लीट हो जाती है, और कुछ यहाँ पे करने का नहीं है। तो इस तरह से आप इजी तरह से कनेक्शन कर सकते हो। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे 3 फेज करंट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसका पूरी डिटेल्स अच्छी तरह से और भी दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, आप जैसे ही दोस्तों इसमें करंट सप्लाई देंगे यानी इनपुट लाइन, तो आपको यहाँ पर एक रेड कलर का लाइट जला हुआ दिखाई देगी यहाँ पे। तो रेड कलर जब भी आपको यहाँ पे लाइट जलेगी तो 2-3 मिनट आपको वेट करना है दोस्तों, क्योंकि ये टाइमर का है, तो 2-3 मिनट टाइम लेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाएगी तो आपको रेड लाइट ऑफ हो जाएगी। ग्रीन लाइट का मतलब दोस्तों ये है कि आपका यहाँ पर जो कनेक्शन है ये बिल्कुल ठीक है और आपका जो मोटर चलने के लिए आप रेडी है। तो अब जैसे ग्रीन लाइट दोस्तों ऑन हो जाती है, तो आपको ये जो स्विच है इसको आपको ऑटो में रख देना है, ऑटो में ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन कर देंगे आपका पंप चालू हो जाएगी और पानी उठने लगेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका कनेक्शन। और दोस्तों इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर का सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर आप इसको एक बार ऑन करके कहीं चले जाएँगे और फिर से करंट जब आएगी तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों 2-3 मिनट के बाद मोटर को अपने आप ऑन कर देती है। मोटर चलाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो। और इससे क्या होती है, मोटर में दोस्तों कोई खतरा नहीं रहती है, मोटर को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रोटेक्शन करती है इस ऑटोमेटिक कंट्रोलर। आप दोस्तों यहाँ पर जान लो, आपने यहाँ पर कनेक्शन सब कुछ ठीक ठाक कर लिया, फिर दोस्तों आपको ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर आप करंट दे दिया है दोस्तों, और करंट देने के बाद सबसे पहले रेड लाइट जलेगी, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद दोस्तों आपका ग्रीन लाइट जलेगी, और जब तक ग्रीन लाइट नहीं जलेगी तब तक आपकी पंप चालू नहीं होगी। तो मान लो आपका ग्रीन लाइट नहीं जल रहा है 2-3 मिनट के बाद भी, तो आप किस समय क्या करेंगे, तो आपको इसके लिए एक छोटा सा काम करना है।
जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप दो वायर देख रहे हो, एक येलो एक ब्लू, तो इस दोनों वायर का दोस्तों आपको थोड़ा सा एक्सचेंज करना होगा। यानी दोस्तों जहाँ पे ये येलो कलर का वायर है इसको उठा के आप दोस्तों इस येलो कलर जहाँ पे है इसको उठा के ब्लू के जगह लगाएंगे, और ब्लू वायर को उठा के दोस्तों आप इस येलो के जगह लगा देंगे। सिर्फ आपको इसको एक्सचेंज कर देना है। जैसे ही आप इसको एक्सचेंज कर देंगे दोस्तों 100% दोस्तों आपको ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर काम करने लगती है। ये दोस्तों इसलिए होती है, कभी कभी जो फेज़ होती है वो उल्टा सीधा हो जाती है, इसलिए कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और 100% दोस्तों आपका इस तरह से ये काम कर जाएगी अगर कभी भी दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो। लेकिन अभी आपने जो कनेक्शन देखा, अगर इस तरह से करेंगे तो आपको साथ ये एक प्रॉब्लम नहीं होगी, ये दोस्तों अच्छी तरह से वर्किंग करेगी। और ये मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, इसलिए बता दिया। आइए दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये पावर सप्लाई जो मेन ट्रांसफार्मर होती है दोस्तों, जो 440 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है 3 फेज़ करेंट, देखिए तीनों कटआउट के माध्यम से यहाँ पे 3 फेज़ करंट हमारा आ रहा है मेन ट्रांसफार्मर से। अब दोस्तों यहाँ से जो आउटपुट करंट आती है ये फ्यूज़ के माध्यम से यहाँ से आ जाती है, और यहाँ पे देखिए ये वायल स्टार्टर में जो इनपुट लाइन है यानी जिधर पे लाइन लिखा रहती है वहाँ पे हमारा मेन लाइन का केबिल और ऑटोमेटिक का जो है तो वायर लग के कॉम्प्लीट हो चुकी है, और जिधर पे मोटर लिखा हुआ रहती है दोस्तों यानी आउटपुट उस साइड में ये मोटर का जो केबिल आती है ये हमारा लग के कॉम्प्लीट हो गया है। अब ये दोस्तों स्टार्टर रनिंग पोजीशन है में है, यानी यहाँ पे दोस्तों करंट सप्लाई 1 है, तो यहाँ पे 3 फेज़ करंट हमने दे दिया है। अब देखिए ये आप जब रनिंग पोजीशन में होगी दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोलर है दोस्तों वहाँ पे इस तरह से ग्रीन लाइट जलते हुए रह जाएगी। तो ये अब रनिंग पोजीशन में है और यहाँ से दोस्तों हमारा पंप चालू है अभी, तो ये अच्छी तरह से वर्किंग कर रहा है आप देख सकते हो। ये देखिए तो दोस्तों मैं अभी तो खेतों में आया हुआ हूँ, तो आइए अब हम इस घर से बाहर निकल के आपको दिखाते हैं कि इस किस तरह से पंप हमारा चल रहा है। तो ये देखिए केबिल घर से बाहर इस तरह से आती है इस पंप में, और ये पंप अभी चालू है ये देखिए, और इस तरह से ये देखिए पानी अभी ये सप्लाई दे रहा है खेतों में, और बहुत ही अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। अभी दोस्तों जो है ये काफ़ी पुराना मेरा वीडियो है, जब मैंने इसको शूट किया था तब तो बरसात के समय था, जो खेतों में धान लगाने के लिए पानी का सेच कर रहा था तब का ये फुटेज है। तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी माठों में ये पानी सप्लाई देती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बहुत ही अच्छी दोस्तों जो है खेतों की खेती किया जाता है धानों का, आप देख सकते हो पूरी माठ बिल्कुल ही फाँका है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों नई तरीके से धान लगाई जाएगी, और ये पुरानी फुटेज है बरसात के समय के तक, तब मैंने इसको ये शूट किया था। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।